रहे हैं, आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की तबीयत कैसी है, मुबारक सबको ईद मुबारक जी। बताइए माशाल्लाह, 1 मिनट के अंदर 112 पार्टिसिपेंट्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आपका जो जज्बा है सीखने का, वो आज भी माशाल्लाह सेम टू सेम है, पहले जैसे। वेरी गुड। बताएं कैसे गुजरी ईद, किसी का स्पेशल, किसी का कुछ खास, किसी का कुछ कम। जी बोले बोले, शुरू के 2-3 मिनट आप ही के हैं। बहुत ओके, कौन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं भाई? आप ही प्रेजेंटेशन कर लो। रमीज खान, रमीज भाई बड़े एक्टिव रहते हो ग्रुप में। रमीज खान, टेलीग्राम सेटिंग्स को आप गलती से स्क्रीन शेयर कर दिए हो तो बंद कर दें प्लीज। रमीज खान आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, स्क्रीन शेयर किसका है? रमीज का ही है। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो भाई। ओके चले, फिर ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों तमाम को दोबारा इस्तकबाल मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल करीम, अम्माबाद। तो सबसे पहले कोई एक हजरत कुरान की डॉक्टर तिलावत शुरू करें, कोई भी। साहब ने जिन महीने चल जी जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? दिया कर रमजान आज थी चल रही। आवाज आपकी ब्रेक हो गई हजरत, दोबारा बोलो जी। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, कौन हजरत कुरान की तिलावत करेंगे सबसे पहले? स्टार्ट कौन करेंगे? हाफिज साहब हैं एक, अब्दुल हाफिज, वो करेंगे। कौन करेंगे फटाफट? जी शेख जी शुरू करें जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने हाफिज अब्दुल लतीफ भाई बहुत खूब, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे हैं, दुआ करते रहे हैं। अल्लाह हमारे इस एकेडमी को खूब तरक्की दे, हर एक भाई बहन जो इससे जुड़े हैं अल्लाह ताला उनकी रोजी में, रिस्क में, उनकी तबीयत में, उनकी हर एक जायज तमन्ना में इजाफा करे, आमीन। और इस रमजान के जो हमारे बच्चे पार्टिसिपेंट्स थे माशाल्लाह, उनको हम और एक बार मुबारकबाद देते हैं, अगले साल रमजान के लिए दोबारा तैयार हो जाएं और अच्छे बड़े पैमाने पे प्रोग्राम करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि दो चीजें हैं एक साथ इत्तेफाक से आई है, पहले बार तो माहिर रमजान का महीना पिछले हफ्ते हमारे से खत्म हो गया, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, नया साल है, फाइनेंशियल हिसाब से नई प्लानिंग करें। इतने सारे पिछले 7-8 महीने में आप सभी लोगों ने अप्स एंड डाउन्स देखे और अलग पल से अगस्त से काफी सारे लोग कैप्सूल एकेडमी से फायदा भी उठा रहे हैं, मुसलसल फायदा उठाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने, मतलब एक चीज मुझे था कि कुछ मैं अपनी कौम के लिए करूं, शुरू तो किए, इसके साथ जो लोग जुड़े, बेहतरीन लोग जुड़े, शादाब भाई जैसे लोग जुड़े, हमारे समीर जुड़े, इम्तियाज भाई जुड़े, आमिर भाई जुड़े, साहिल भाई जुड़े, सलीम भाई जुड़े, इतने बेहतरीन एक्सपर्ट जुड़ गए, आप यकीन माने ये तमाम लोग
दिन रात मेहनत करते, फुर्सत का टाइम यहाँ पे एडमिन ग्रुप के कॉल्स में देते, काफी सारे चीजों का इजाफा करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है मार्केट एक ऐसी वोलेटाइल कंडीशन है जो कभी बेरिश होती है, कभी बुलिश होती है और कभी साइडवेज होती है। हम तमाम अपनी ट्रेडिंग, यानी जैसे कि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जो चीज में मैं इजाफा, मैं कमा रहा हूं, मैं अच्छे से लेके चल रहा हूं, मेरी दिली तमन्ना होती है कि उससे बेहतर आप तमाम लोग कमाएं। तो इसके लिए ये एकेडमी शुरू हुई। यहाँ पे सब लोग सीखते हैं, सबसे पहला स्टूडेंट मैं ही हूं इस एकेडमी का। कभी नहीं बोलूंगा कि मैं कभी नहीं सीखता, अल्लाह का फजल करम है। अपने एक्सपर्ट से, शादाब भाई से, वाजिद भाई से, आमिर भाई से सबसे सीख के इस इतनी बेहतरीन तरीके से इस स्ट्रैटेजिक में अंदर इजाफा हो रहा है। आपको आज से, आज बिल्कुल एकदम कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि एक साइकोलॉजी, एक माइंडसेट के हिसाब से हमको काम करना है। तो कोशिश करेंगे कि आज के टॉपिक पे रहेंगे, आज अगले संडे, उसके अगले संडे, तीन संडे में इंशाल्लाह मुकम्मल तालीम आपको दी जाएगी। कोशिश करें कि आप हर संडे को अटेंड करें, अगर हो सका वीक के बीच में भी हम कोई सेशन ले लेंगे। आज के टॉपिक का नाम है 10 कदम। यानी इसमें दो चीजें, 10 का दम भी है यानी पावर ऑफ 10 भी है, 10 कदम भी है यानी 10 स्टेप्स भी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूं, कोई एक हजरत बता दे स्क्रीन अगर नजर आ रही है तो। नजर आ रही है भी? स्क्रीन आ रही है जी, आ रही है। तो सब लोगों को आज मुझे एक वादा करना पड़ेगा, 10 से 11 के सेशन में एक रकम का जो है मैं अपना होमवर्क करूंगा लाइव पे, मैं अपना होमवर्क करूंगा लाइव में। अब आपको इस सेशन के बाद इत्मीनान से अकेले बैठ के आपको अपने इंडिविजुअल होमवर्क करना है, क्योंकि जब तक कोई एक टीचर सबक पढ़ाता है उस सबक का अगर आपको होमवर्क नहीं देता है तो आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे। तो आप अपना होमवर्क जरूर करोगे, यकीन माने इस सेशन के बाद जिस बंदे को करना नहीं है बोल के बैठा है सेशन में, सेशन के एंड तक बोलेगा यार ये तो मुझे करना ही है होमवर्क। तो जरूर अपना होमवर्क करें। होमवर्क को आप एकेडमी में शेयर एज इसमें मत करो, एटलीस्ट आपकी होमवर्क से मुझे वो फाइंडिंग्स बताओ, जो फाइंडिंग्स जो मुझे अपने होमवर्क से मिले हैं। क्या सब लोग तैयार हैं भाई इसके लिए? आज का जो टॉपिक है 10 का दम, यानी 10 कदम है, 10 स्टेप्स है अगर देखे जाए, या इन अदर वे 10 का पावर ऑफ 10 भी है। तो अब आप लोगों के लिए पावर ऑफ 10 क्या होता है, डॉक्टर साहब क्या बताना चाह रहे? तो कोशिश करें कि आज के टॉपिक को हम स्क्रीन से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी कैप्सूल लर्निंग को रिविजिट करेंगे। रिविजिट मतलब जितनी भी अभी तक की तालीम हुई और 3.0 इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी अब पहला एक क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। तो इस तरीके से जब आपको जितनी तालीम दी गई उसको हम अलग अंदाज में रिविजिट करेंगे। अलग अंदाज मतलब समझने के लिए कि किस तरीके से हमारे कैप्सूल लर्निंग्स हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो उसके फर्स्ट इवेंट होगा माइंडसेट। क्यों? आपका माइंड बोला आज के 10 बजे का प्रोग्राम अटेंड करना है, इत्तेफाक से 10 बजे। अब 10 का माइंडसेट आपका बोला कि ये क्या है जो मुझे बैठना है, तो वो क्यूरियोसिटी थी आपकी। क्यूरियोसिटी आ गई, आप क्लास में आ गए। अब क्लास में आपको बताया जा रहा है कि आपकी साइकोलॉजी से, यानी ट्रेडिंग कौन करता है? ट्रेडिंग अब्दुल नहीं करता, ट्रेडिंग डॉक्टर नईम नहीं करता। पर्सनल में अब्दुल कर रहा है, डॉक्टर नईम कर रहा है, बट एक्चुअल में उसका ट्रेडिंग कौन कर रहा है? माइंड। ट्रेडिंग कौन कर रहा है बताइए, जवाब दें, बताइए। माइंड। जो अब्दुल वही डॉक्टर नईम के पास अगर माइंड ही ना हो, माइंड ना हो मतलब गायब नहीं है, माइंड मतलब थॉटफुल माइंड ना हो, उसके पास समझदार दिमाग ना हो, क्या वो ट्रेडिंग कर सकता है? नो। सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड, यानी जो सबसे पहला आपको जो इंडिकेटर जो चाहिए वो अल्लाह ताला ने आपके दिमाग में दिया है, वो इंडिकेटर है माइंड। तो आपको सबसे फर्स्ट आज में 10-15 मिनट माइंड पे बताऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने ये चीज को आज एकेडमी में शेयर किया, कई सारे लोग आपको बोलते हैं यार ट्रेडिंग एक स्कैम है, ट्रेडिंग एक छलावा है, ट्रेडिंग एक जुआ है, ट्रेडिंग एक सट्टा है,
उन सबको आप इग्नोर करो। हम ऑलरेडी इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, शरीयत के एतबार से आपकी पूरी रूलिंग्स बता चुके हैं कि इंडियन शेयर मार्केट हो या दुनिया का शेयर मार्केट हो, उसकी जायज की दलीलें हो चुकी हैं। उसको आपको ये माइंड से हटा देना है कि ट्रेडिंग क्या है, कोई स्कैम नहीं है। समझ में आ गया हजरत सबको? सबसे पहले माइंड में से क्या हटाना है आपको बताइए। आ गया, आ गया। ट्रेडिंग इज नॉट अ स्कैम, मैंने एक्स मार्क डाला है, इसका मतलब स्कैम नहीं है। अब नेक्स्ट माइंड में आप अपने फिट करना होगा कि ट्रेडिंग क्या रकम का खेल है। खेल इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसको खेल के से ना लो, जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी समझ के लिए, एक प्रोबेबिलिटी इंग्लिश के मतलब हिंदी में क्या मतलब होता है कि हिंदी में क्या मतलब होता है अपने हाफिज साहब, प्रोबेबिलिटी उर्दू क्या बोलते हैं, संभावना, इम्कान, ये अच्छा है, इम्कानात है ना, इम्कानात। तो ये बोलो कि ट्रेडिंग एक इम्कानात का एक अपना प्रोफेशन है, यानी इम्कानात प्रोबेबिलिटी, यानी माइंड में ये फिट करो। पहली बात तो आपने इसको हटा दिया, ये स्कैम नहीं है। सेकेंड चीज आपको माइंड में क्या फिट करना है, ये माइंड को यम डाल देता हूं कि जो जिसके पास, यानी जिसके पास वो दिमाग की नजरिया सोच हो जो प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा देता है, प्रोबेबिलिटीज, अब यहां पर मैं यूज करता हूं 10, यही गेम है आज का 10। अगर किसी के माइंड में एक स्ट्रेटेजी, एक सेटअप, एक फॉलो चीज है कि बोलेगा कि सर मेरे अपने ट्रेड्स अगर 10 ट्रेड लिए तो हाई प्रोबेबिलिटी किसे बोलेंगे या विनिंग प्रोबेबिलिटी किसे बोलेंगे, जल्दी जल्दी बताओ कितने पे है विनिंग प्रोबेबिलिटीज? 7 7 हो जाए। अगर मैं ये 1-5 यहां लिखा तो ये लूजिंग या मतलब ओके ओके प्रोबेबिलिटीज, 1 यानी 9 लॉस हो रहे, 2 यानी 8 लॉस हो रहे, 3 यानी 7 लॉस हो रहे, 4 यानी 6 लॉस हो रहे, 5 यानी 50-50, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है इसको। विनिंग प्रोबेबिलिटीज यहां से शुरू होते 6, 7, 8, 9 and 10, यानी इस ट्रेडिंग में जिसकी 10 के एवज में प्रोबेबिलिटीज 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, वो हम क्या बोलेंगे, विनर्स। क्या बोलेंगे उसको हम, विनर्स। तो और तो आपसे रिविजिट कर रहा हूं, माइंड आपका फिक्स होना चाहिए कि कोई ये स्कैम नहीं है, एक रकम का ये पढ़ाई है, एक रकम का जॉब है, एक रकम का प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन में प्रोबेबिलिटी काम करता है। वो प्रोबेबिलिटी कोई आपको टॉस उड़ाने से नहीं आएगा या कोई डाइस फेंकने से नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी आपका माइंड जितना शार्प करोगे, जितना ज्यादा नॉलेज से भर लोगे, जितना ज्यादा आप सेटअप से कन्विंस और आपकी पावर आ जाएगी कि हाँ यही सेटअप पे मुझे लेना है, तो आपके प्रोबेबिलिटीज बढ़ते जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक क्लास में कहा, अगर आपके प्रोबेबिलिटीज को ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी 1 से 3 ट्रेड ले रहे, स्ट्रैटेजी 2 से वहां से 3 ट्रेड ले रहे, स्ट्रैटेजी 3 से आप 4 ट्रेड ले रहे, तो यूजली देखा गया है कि अगर आप अलग अलग सेटअप से उन 10 ट्रेड्स को लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 5 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी एग्री नॉट एग्री बताइए जल्दी। जी आवाज आ रही है? अग्री, अग्री। तो अब जो ये प्रोबेबिलिटी को जो बढ़ाने के लिए ये प्रोबेबिलिटी ये आपको मास्टरी करना है, डॉक्टर नईम या एडमिन आपको मास्टर नहीं बनाएंगे, यानी आप, आपका माइंड और आपको मास्टर बनना है। हमेशा स्टूडेंट नहीं बन के रह सकते, हाँ स्टूडेंट प्लस मास्टर बन के रह सकते, एक तरफ से सीख रहे एक तरफ से सिखा रहे। जैसे अगर आप कोई नॉलेज सीखे अगर आप अपने अंदर ही रखोगे ना तो अंदर बीमारी आ जाती, एज ए डॉक्टर बता रहा हूं। उस नॉलेज को आप फ्लो करो, एक ही मानो इनपुट आउटपुट, तो ये आप बन जाओगे सेल्फ मास्टर। आप इतने माइंड को शार्प कर लोगे, नॉलेज ले रहे सिखा रहे ले रहे सिखा रहे, तो ये चीज आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ाएगी, जो मेरे साथ हो रहा है। एंड जब आप अच्छे से इस ट्रेडिंग के गेम को सीख लोगे उसके बाद आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको सीखने के लिए निकालना पड़ेगा, सिखाने के लिए निकालना पड़ेगा, और आपकी कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फिक्स करो कि आपको अपना प्रोबेबिलिटी गेम इंक्रीज करना है, सेल्फ मास्टरी करना है, और इसके लिए आपका टाइम एंड कमिटमेंट जरूरी है। कितने लोग पर्सनल में मैसेज करते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बैंक में काम करता हूं, मैं फलाने जगह मदरसे में काम करता हूं। भाई अगर आप सब जगह सब लोग बिजी हैं, पैसा तो चाहिए चाहिए,
टाइम नहीं है मेरे पास, सीखने के लिए नहीं है, कमिटमेंट नहीं, तो आप सिंपल सी बात है एग्जिट, किससे एग्जिट कर रहे हैं बताइए भाई, बोलिए किससे एग्जिट कर रहे हैं? ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर लेना है। अब आप बोलेंगे कि कितना टाइम, आपको ताजुब होगा कि कोई भी इंसान 24 घंटे में से अगर एक घंटा भी डेली अगर बोल दे कि 60 मिनट मैं रोज चाहे सीखने के लिए सिखाने के लिए निकालूंगा, बहुत ज्यादा है एक मिनट, एक घंटा या 60 मिनट, अगर इतना भी आपके पास टाइम नहीं है तो मेहरबानी करके ट्रेडिंग को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये किसी और के कांधे पे रख के चलाने वाली चीज नहीं है, आपका पैसा आपका दिमाग आपको करना है। अब नेक्स्ट जो मैंने माइंड के अंदर आपको फिट किया वो उसको कहते हैं माइंडसेट, उसको कहते हैं माइंडसेट। अगर आपका माइंड ही सेट नहीं है तो ट्रेडिंग में भी सेट नहीं होगा। किसी साहब ने मुझे बोले डॉक्टर साहब आपकी इतने सारे वीडियो कुछ भी नहीं समझ में आता, तो यानी यहां पे दो लोगों की कोई गलती हो सकती, पहले सिखाने वाला ने गलत सिखाया या समझाने का तरीका सही नहीं था तो ये फेल है, या नहीं तो सीखने वाले के अंदर कमी है। अब आप बताओ अगर किसी बंदे को महीने से ट्रेडिंग का पूरा इल्म एकेडमी से दे रहे, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके नजर में किसकी गलती है बताइए, सिखाने वाले की या सीखने वाले की? सीखने वाले की। वेरी गुड, तो वही कह रहा हूं, यहाँ पे आप लोग एकेडमी में बार बार अगर सवाल पूछेंगे तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, अगर आप 50 घंटे 50 हावर्स उन तमाम यूट्यूब के 20 वीडियोस या 25 वीडियोस और पिन मैसेज में 20 या 25 पिन वीडियोस नहीं देखेंगे, जो एक एक घंटे के अगर एवरेज पे 50 घंटे सीखने वाले को, जरूरतमंद को, उसके अंदर के, उसके फैमिली के, उसके रिश्तेदार की अगर जरूरत उसको लग रहा है दिल में करना है तो उसको 50 घंटे डेडिकेटेडली विथ नोट्स पढ़ना ही होगा। 1.0 पढ़ेगा, 2.0 जल्दी समझ में आएगा। अब ये दोनों जल्दी पढ़ लो क्योंकि 2 वीक के अंदर हम 3.0 की इतनी सुकून वाली ट्रेडिंग की आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो अगर टाइम नहीं है तो एग्जिट, टाइम है 50 आवर्स कमिटमेंट, करेंगे वे सब लोग इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो आ रहा है इमोशंस, अब आप बोलेंगे ये क्या इमोशन है, जिसके पास दिमाग होगा उसी का इमोशन होगा, लाइफ जिसके पास रहती है उसके अंदर इमोशंस रहते हैं, जैसे पत्थर है, पत्थर के अंदर कोई इमोशन नहीं रहता, तो लाइफ जो इन्हें लिविंग थिंग है इमोशन। अब ट्रेडिंग में इमोशंस बहुत कंट्रोल करना जरूरी है, यानी एक ट्रेड ले लिया 10% बना लिया, ले उड़ा रॉकेट धड़ाधड़ इमोशन में गया, यानी एक ट्रेड ले लिया मैं, मेरा कॉन्फिडेंस इतने हाई लेवल पे, सेकेंड थर्ड ट्रेड पे जो फर्स्ट ट्रेड पे स्टडी करके पूरी सेटअप को देख के लिया, कॉन्सेंट्रेशन करके लिया, भूल गया सेकेंड थर्ड ट्रेड में, मस्ती किया, क्यों? उसने हाई इमोशंस पे चला गया, गिर जाएगा। अब ये हो गया हाई इमोशंस, एकदम सुपर चार्ज। अब 2-3-4 ट्रेड तक गिर गया, एकदम डिप्रेस हो गया, नहीं डॉक्टर साहब मेरा लॉस है, शेयर मार्केट से फायदा नहीं है, आइदर एग्जिट कर लेगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसीलिए आपको करना है कंट्रोल्ड इमोशंस, आपके इमोशंस क्या होने चाहिए बताइए भाई? कंट्रोल, इमोशन पे कंट्रोल, देन ओनली लाइफ पे कंट्रोल। इमोशन पे कंट्रोल नहीं, धड़ाधड़ इधर भी गुस्सा उधर भी गालियां, बच्चों को मारे, बीवी से लड़े, माँ बाप से रुसवा होंगे या माँ बाप को झिड़केंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है इमोशन। फुल प्रॉफिट हुआ तो दिखा लेके क्या होते, लोगों को फ्लॉन्ट करते नहीं पड़ता, मैं कमा लिया, मैं बनाया, नहीं, फुल लॉस हो गया तो रोते नहीं फिरना। तो यानी दोनों तरफ से आपको कंट्रोल करना, क्योंकि आपका ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा, आपका ट्रेड आपको लॉस दे रहा, वो आपके हद तक ही रखना, आपको इस लॉस से मजबूत बनना, इस प्रॉफिट से मैच्योर बनना, याद रख लो, लॉस से आपको क्या करना है, मजबूत बनना है, प्रॉफिट से आपको मैच्योर बनना है, बच्चों के जैसा रॉकेट उड़ाते फ्लॉन्ट करते नहीं फिरना, कितना कमा लिए उतना कमा लिए, समझ रहे बात आपको? अब आपके ये माइंड और इमोशंस जब फिक्स हो गए, आपका आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में है, तो अब आपको डिसाइड करना है कौन से टाइप के ट्रेडर बनना है। तो आप लोग प्लीज आंसर दें, कौन से टाइप के ट्रेडर्स बनते हैं एकेडमी में बताइए, कितने टाइप के ट्रेडर्स बनते हैं? 3 नंबर है तो कितने टाइप के बनते हैं? 3 टाइप के। वेरी गुड, तो आप बेसिकली कैप्सूल के एकेडमी में फार्मिंग कर रहे हैं, फार्म यानी मंथली या लॉन्ग टर्म, सनफ्लावर आपका पोजिशनल ट्रेडिंग या आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग,
थर्ड स्विंग ट्रेडिंग, जो आपको आप दो दिन तीन दिन सीडीएसएल में अकाउंट में आ गया, प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप स्विंग ट्रेडर्स बन सकते हैं, जो जायज है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फार्मिंग में मंथली फार्म में रहना है, वीकली सनफर में लेना है, या डेली स्विंग ट्रेडिंग्स में करना है। तो ये आपने माइंडसेट फिक्स कर लिया, इमोशंस पे कंट्रोल कर लिए, टाइप ऑफ द ट्रेडिंग आप डिसाइड कर लिए। ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही टाइप की करो, मैं तो आपको बोलता हूं तीनों टाइप की करो। क्यों? तीनों टाइप में मजा है, तीनों करो। हर हफ्ते भी पैसे कमाओ, हर महीने के हिसाब से कमाओ, हर रोज के हिसाब से कमाओ, अल्लाह ताला वो सहूलतें हम लोगों को जरूर देंगे इंशाल्लाह। फोर ट्रेडिंग प्लान, सच बता रहा हूं, मेरे 2022 अगस्त, ये मेरा डेट, मैं हमेशा बोलता हूँ सबको अपना अपना ट्रेडिंग डेट, ट्रेडिंग जर्नी, जैसे डेट ऑफ बर्थ मालूम होता आप लोगों को, ट्रेडिंग की दुनिया में आप कब पैदा हुए मालूम रख लो, जाके आपने ट्रेडिंग अकाउंट देखो पता चल जाएगा कब आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला। तो यानी आपकी यहाँ पे ईयर, यानी मेरी ईयर अभी अंडर 2 ईयर्स है, कोई मुश्किल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, इसमें मैं मास्टर करो। आप लोग अपनी ट्रेडिंग बर्थ डेट मालूम करो, क्यों? क्योंकि इस अगस्त 2022 से लेके मार्च 2023 तक 9 महीने तक अल्लाह गवाह है मेरे पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं था। यानी पैसे भी कमाना है, स्टॉक खरीद भी रहा हूं, स्टॉक बेच रहा हूं, किस बुनियाद पे कर रहा हूं? कोई प्लान है क्या किसी के पास? मेरे पास तो नहीं था 9 महीने। आप लोगों के पास है क्या किसी के पास? या एकेडमी से पहले आने से पहले किसी के पास था क्या ट्रेडिंग प्लान? बताइए सच्ची से। टेलीग्राम चैनलों में बैठे हुए फलाने भाई साहब बोले ये भागेगा, फलाने भाई साहब बोले वो भागेगा, फलाने भाई साहब बोले, अरे वो भाई साहब का प्लान है ना, आपका प्लान कहाँ है ट्रेडिंग प्लान? ये पूरा सेट मैंने जो बता रहा हूँ आपको, आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके इमोशन, आपका टाइप ऑफ ट्रेडिंग, आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। हर बार बोलता हूँ मैं, कैप्सूल एकेडमी आपकी है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपकी स्ट्रेटेजी है, आप उसको फॉलो करो। जब तक आप अपना ट्रेडिंग प्लान फखर से बोलो ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, आवाज 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 डिस्टर्ब मत करो। सेशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए जरा, पहली बात तो समझ में आ रहा है एकदम मस्त है। सेशन बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? माशाल्लाह वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड, चलो इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह। ओके, तो आपको अभी तक क्या बताया कि आपकी गाड़ी आपके हाथ में रखो, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपके इमोशंस, आप टाइप ऑफ ट्रेडर चुनो, आपका ट्रेडिंग प्लान। मेरा ट्रेडिंग प्लान नहीं है, एकेडमी का ट्रेडिंग प्लान नहीं, एकेडमी आपकी, ट्रेडिंग प्लान आपका, सब आपका। और इस ट्रेडिंग प्लान ने जब आप प्लान पे एक्सिक्यूट करने निकले तो आपको साथ में रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क का मतलब उर्दू में क्या बोलते हैं, डर, रिस्क का क्या मतलब होता है उर्दू में, नुकसानात, राइट? नुकसानात भी हो सकते हैं, यानी फायदा भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, यानी जिम्मेदारी, रिस्क ले लिए। तो आपने ट्रेडिंग प्लान एक्सिक्यूट कर दिए, जब आपने ट्रेडिंग प्लान एक्सिक्यूट कर दिए तो आपको ही रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। यानी भाई 10 ट्रेड में 6 ट्रेड का आपको टारगेट कर लिए, आप गेम विन कर लिए, 4 ट्रेड में तो आपको लॉस होगा 2%, 10%, 20%, 30%, इसको आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, कोई और आके आपको मैनेज नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे क्लासेस होंगे, यहाँ पे पेशेंट स्टॉक का क्लास होगा, सब होगा, तो उसको स्टडी करके रिस्क भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं। यानी टोटली ये चीजें आपके पास नहीं है, ये आप हो जाते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किसको किसको इंडिपेंडेंट बनना है बोलो जल्दी? मुझे बनना है इंडिपेंडेंट। सर आप सुबह के 9:15 ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, 9:15 से 3:30 तक आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, खुद के डिसीशंस लो, खुद के टाइप ऑफ ट्रेड्स लो, खुद के रोना हंसना सोना आप खुद करो, खुद का आपका रिस्क मैनेजमेंट करो। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि यार आज से मैं आप लोगों को बात नहीं करूं, नहीं, जब तक अल्लाह ताला हयाती दिया आप लोगों से रोज बात करते रहूंगा, रोज आप लोगों के साथ जो है ना डिस्कस करते रहेंगे, एडमिन हमारे मदद करते रहेंगे, तो मगर उस नॉलेज को, उस मशवरों को, उन सजेशंस को आप एक्सिक्यूट करो, किसी के ऊपर मत डालो। जब आप अपनी ट्रेड खुद लोगे, खुद 12-15-20% भागेगा ना, वो खुशी अलग है, यकीन मानो आप फखर से बोलेगा डॉक्टर साहब मैं अपने सेटअप पे लिया और पैसे कमा लिया, बिलियो में वो बोलने का नजरिया अलग रहेगा, डॉक्टर साहब आप बोले थे ना भाग्य, अच्छा खुशी हुई, यकीन मानो वो भी खुशी है। बट जब आप अपना डिसीजन खुद लोगे, उससे प्रॉफिट लोगे, आपको मजा आ जाएगा, बोलेंगे कि यार अल्लाह करे प्रॉफिट में रहूं, लॉस भी हो जाए डॉक्टर साहब कोई मुश्किल नहीं, लॉस हुआ था मैंने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया। जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे।
रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है हजरत सबको? किसी के पास पेन पेपर है तो आज के आखिरी स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, उसके बाद लाइव में चला जाऊंगा। 10 कदम में 10 स्टेप्स ये है, 10 क्या बोलते हैं पहल करना, ये अगर आएगा तो आपके अंदर दम आएगा। सबसे पहली चीज, नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट दैट द मार्केट विल डू व्हाट मार्केट वांट्स टू डू। यानी कोई भी यहां पे मेरे पास अब 250 करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई बता सकता है मार्केट आपके हिसाब से करेगा या मार्केट खुद के हिसाब से करेगा? बताइए नंबर वन पॉइंट, खुद के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से करेगा। वेरी गुड। कोई भी तो एक हमारे एकेडमी के हजारों मेंबर में से श्योरली 100% बोल सकता है कल मार्केट कैसा बिहेव करेगा? 100% नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो आपके जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको हमेशा याद रखना है, मार्केट वही करेगा जो उसको करना है। हमारा ट्रेड, हमारा सेटअप उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या देता है वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात आप? हमारा सेटअप जो मार्केट अपनी मनमर्जी से करना चाह रहा है उस पे मेरा ट्रेडिंग सेटअप प्रोबेबिलिटी कितना अच्छा दे रहा है, ये आपका गेम होना चाहिए। मार्केट का अप डाउन होना वो उसकी फितरत है, वो होता रहेगा, मगर मेरे को क्या करना है वो मैं प्लान करके करूं। सो दैट्स व्हाई हमेशा याद रख लो, मार्केट इज नॉट योर फ्रेंड, नाइदर मार्केट इज नॉट योर एनिमी। मार्केट एक जरिया है आपको उस जगह से पैसे कमाना, उस जगह से आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना। रोज थोड़ी अप ट्रेंड जाएगा, रोज थोड़ी साइड ट्रेंड जाएगा, रोज थोड़ी डाउन ट्रेंड जाएगा। जैसे ट्रेंड में जाता रहेगा उस ट्रेंड के हिसाब से आपको अपने सेटअप से माल बनाना है। बात क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले। 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आज की क्लास खत्म हो गई। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे नंबरिंग में जरा सा मिस्टेक हो गई थी, फर्स्ट पॉइंट यही है, सेकेंड पॉइंट ऊपर चला गया। डोंट गेट लॉस्ट इन द नंबर्स, यानी इसका मतलब क्या है कि आप नंबरों के गेम में उलझो मत। कई सारे लोग नंबरों के गेम में उलझते, सिंपल सा नंबर है आपका, आपका जैसे मैंने कहा एक साल में आपके 365 दिन अप्रैल पहली 2024 से लेके मार्च 31 2025 तक मैंने आपको एक प्रज्यूमेबल टारगेट दिया है कि 30% आपका जो भी 1 अप्रैल 2024 को कैपिटल था वो इतना इंक्रीज होना चाहिए, इतना ही रखना है। अब आप परसेंटेज पे ध्यान दो, नंबर पे मत ध्यान दो। अरे उन्होंने जो है ना 2 लाख कमा लिए, इन्होंने 5 लाख कमा लिए, इन्होंने 4 लाख नुकसान कर लिए, उन्होंने 15-20 लाख कमा लिए। अगर इस नंबर के गेम में जाओगे बिलियो में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि दूसरे लोग अच्छा कमा रहे उनके नंबर ज्यादा है मेरे नंबर कम है? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? बताइए, सीरियसली बताइए, यस और नो? यस। हल्की हल्की आवाज से बोल रहे, कोई खुल के नहीं बोल रहे। नंबर्स आर नॉट टू बी योर, होता है सर, होता है जी। तो आपको सिर्फ टारगेट करना है कि अगर मेरी ट्रेडिंग सेटअप पे एक साल में 30% रिटर्न आ रहे हैं तो आई एम ए विनर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग में ये है, जिस दिन आप अपने कैपिटल को, यानी लॉस नहीं गया प्रॉफिट भी नहीं हुआ, यानी 1 अप्रैल 2024 को मैं 1 लाख रुपए रखा था जेरो था के ट्रेडिंग अकाउंट में, एक साल के बाद भी 1 लाख रुपए है, तो यकीन मानो उस दिन ही आप जीत गए। जिस दिन आप अपने कैपिटल को सेफ रखोगे 1 साल 2 साल, ये इस मार्केट में आप विनर हो गए। क्यों? क्योंकि जब आपको ये कैपेसिटी या आपकी एक टैलेंट आ गया कि भाई मेरा 1 लाख रुपए लॉस ही नहीं हुआ एक साल में, खुश होना आपको कि मैं अब यहां से इंप्रूव करूंगा कि ये सेफ सिक्योर जो कैपिटल में रख पा रहा हूं जो टैलेंट से, उस टैलेंट में इजाफा करके मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नंबर्स पे मत जाओ, कौन कितना कमा रहा है मत देखो, आप कितना कमा रहे वो देखो। कैसे करोगे उसके लिए आपको थर्ड पॉइंट है, नॉइस को कट करना पड़ेगा। नॉइस क्या है? शोर शराबा। अब ये शोर शराबा क्या है? जब तक आपके पास माई प्लान नहीं आएगा, माई प्लान नहीं, मैंने पॉइंट बताया था, आपके पास खुद का प्लान नहीं है, किसी के प्लान पे जा रहे हो,
दस जगह पे जाके 10-15 रकम के स्ट्रेटेजी के या 10 रकम के ब्रेकआउट्स पे या वो पे क्योंकि आपको पता ही नहीं था कोसा कैंडल पे क्या ब्रेकआउट दिया, कोसे ट्रेंड लाइन पे क्या ब्रेकआउट दिया, तो हर जगह के दिमाग में प्लान्स पोजीशंस चार्ट डालोगे तो नॉइस, माइंड बहुत कंफ्यूज। क्या किसी को नॉइस होता है क्या, बताइए सीरियसली, कोई ये नॉइस का शिकार है कोई? यस यस सीरियसली, दिल से हाथ रख के बताओ कि क्या आप लोग नॉइस के अंदर फंसे हुए क्या? में हुआ था डॉक्टर साहब, आपको एनालाइज करो, अपने आप इस नॉइज से निकलो, सुकून की एक जगह या दो जगह या तीन जगह बैठो, कहां पे आपको अच्छे से तालीम मिल रही और उस नॉइज को आपको खत्म करना है। हम नहीं खत्म करेंगे, वो आपका माइंड है, आपका बॉडी है। फिफ्थ पॉइंट है, ये हो गया आपके थ्री। फोर्थ पॉइंट, एम्ब्रेस द रिस्क, यानी जिस दिन आप बोलेंगे कि एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, खुशी से एक्सेप्ट कर लो इसको, जाहिर मत करो कि खुशी है बोल के, ये देखो कि जब तक मैं रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो आप रिवार्ड नहीं ले पाओगे। सिर्फ हर बार आपको हर स्टॉक से प्रॉफिट चाहिए तो फिर आप गलत जगह पे हो। आपको उस रिस्क, उस लॉस, उस खतरे को जरूर महसूस करना है। दुनिया के सबसे बड़ा, जैसे कि वो वॉरेन बफेट कुछ पेटीएम में कुछ डाला था शायद, 600 करोड़ का लॉस लिया। क्या 600 करोड़ का लॉस लेके वो गरीब हो गया क्या, कोई बता सकते? कोई बता सकते वॉरेन बफेट 600 करोड़ का लॉस लेके गरीब हो गया क्या? नहीं। तमानी भी जो है बोलता है कि मेरे 66% प्रॉफिट्स होते हैं स्टॉक्स, 44% लॉस होते हैं। क्या ये अरबपति है कि नहीं अभी भी? तो आपको, मेरे को तो जरूर इस रिस्क को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, नो व्हेन टू कैश आउट। ये याद रखो कि कैश इज किंग, याद रख लो। कैश क्या है, कैश इज व्हाट, बताइए? कैश इज किंग। अगर आपको यहां पे मैं दो तरीके से बताऊं कि जब क्रॉस डाउन हो गया, डेली में सीट्स गिर गया, निकल जाओ, उम्मीद मत रखो, प्रॉफिट हो लॉस हो निकल जाओ। जब आपका वीकली में क्रॉस डाउन हो गया, निकल जाओ, क्यों? कैश इज किंग। भले किंग जख्मी किंग हो गया, लॉस पे ब्रेक, लॉस पे निकल गए, कोई बात नहीं, कैश किंग ही रहता है हमेशा। वही कैश आपको सही सेटअप पे दोबारा लगाओ तो आपका कैश वापस आपको लॉसेस से रिकवरी देगा। ये उम्मीद तो कभी मत रहो कि लगा दिया, नीचे चला गया, ईएमए ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, मैं नहीं बैठा, मैं सो गया था, मैं सफर में था, मैं यहां था, नहीं। जब तक आपको कैश आउट जब नहीं मालूम होगा तो फिर आप फंसे रहोगे। दो तरीके के कैश आउट हैं, एक तो ट्रेड को आपने एग्जिट करके आपका कैश आपके हाथ रखना है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है, और एक है टॉनिक फंड। मैं हमेशा से बोलता हूं, आपका अगर ट्रेड 1000 रुपए का आप ट्रेड ले रहे, 1000 रुपए का, 1000 रुपए आपके डीमैट अकाउंट में दिखने चाहिए, मगर ट्रेड आप लोगे सिर्फ 800 रुपए का, वो 200 रुपए पड़े रहेंगे, क्यों? मार्केट क्रैश होगा, गिरेगा, रिकवरी में 200 रुपए ऐड करोगे तो वापस आप अपना उस ट्रेड को सपोर्ट करोगे। तो दो चीजें याद रख लो, टॉनिक फंड इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूंगा, किसी ने बोला कि आज मैं ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूं, मेरे अब्बा ने मुझे 1,00,000 रुपए दे दिए, तो उसको बोलूंगा बेटा आपको आपके अब्बा ने 1,00,000 नहीं दिए, आपके अब्बा ने आपको सिर्फ 80,000 दिए। माइंड को फिक्स कर लो, इसी 80,000 से ट्रेडिंग करना है। डॉक्टर साहब 20,000 रुपए क्या करना है, छोड़ दो, ये आपने कभी सोचना नहीं कि इससे ट्रेडिंग करना है। क्यों? कभी मार्केट कोविड में 9% गिरा, परसों रिसेंटली 2% गिरा, मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले हफ्ते दो मार्च के आखिरी सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक में 2% गिरा, पोर्टफोलियो -15% से -30% गिर गया। तो जब ये इस्तेमाल करो, ये चीज आपको हेल्प करेगी। कई सारे मेरे स्टॉक्स है, जैसे ट्राइडेंट है, या काफी सारे स्टॉक जो गिर गए थे -10, -15, मेरा टॉनिक फंड मुझे साथ दे रहा है। या आपने जहां पे सही जगह पे कैश आउट करके कैश को किंग बना के रखे थे, वो किंग आपको मदद करेगा। ये दो चीजें अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप हमेशा पोर्टफोलियो को लाल में देखेंगे। जी बताइए, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए, सबके समझ में आ रहा है, या यहां तक किसी का डाउट है? यहां का डाउट क्लियर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा सिक्स्थ पॉइंट है, ये मालूम करो कि कब आप रॉन्ग हो। दिमाग में डालोगे कि डॉक्टर नईम हमेशा करेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा, मैं खुद बोलूंगा तुम जितने ज्यादा अपने आप को करेक्ट बोलोगे उतने ज्यादा तुम रॉन्ग हो। अरे भाई, आपकी कोई ट्रेड चले गया नेगेटिव में, सब सेटअप पे था, जीरो लाइन के ऊपर नीचे से क्रॉस ओवर हुआ, सीसीआई भी सही था, आरएसआई भी सही था, कहीं ना कहीं से वो चूक गया,
आपसे कहीं ना कहीं चूक होके जरूर देखो, ऑलवेज चेक आप रॉन्ग हो कि नहीं हो। जिस दिन आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरे को पूरे माइन्यूट डिटेल्स पे देखना है कि मैं गलती पे हूं, यकीन मानो आपकी गलती दिख जाएगी। अगर गलती नहीं दिखी, अच्छे आपने स्टडी करके लिए, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द रिस्क, एम्ब्रेस द रिस्क। फर्स्ट रिस्क एम्ब्रेस करने से पहले आप तो देखो कि कहीं आप गलत तो नहीं हो। जब आपको ये दिखेगा, बोलेंगे सीधे आके पेशेंट स्टॉक मिलते डॉक्टर साहब मैं लिया था, जबकि कई सारे लोग कहां कहां के कॉल्स पे चार्ट देख के ट्रेड लेते, बोलते कि मैं सनफ्लावर पे लिया, सीट पे लिया, एक्सेप्ट ही नहीं करते। यकीन मानो उनके मैं नाम से भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं हर एक जगह पे मेरी नजर रहती। क्यों? क्योंकि वो एम्ब्रेस यानी अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते। मैं मेरी गलती मानता हूं, कई बार मेरे एडमिशन बोलते मेरी गलती है, कई बार बोलते मैंने स्टॉक में ये चीज मिस कर लिया, प्रोमोटर होल्डिंग मिस कर लिया, वो RSI का वैल्यू मिस कर लिया, CCA की वैल्यू मिस कर लिया। जब तक आप अपने आप को रॉन्ग देखोगे नहीं, रॉन्ग आपने किया है कि नहीं जानोगे, फिर आप फिर मुश्किल है ट्रेडिंग की। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बताइए, एनी डाउट शेयर? डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी आपने। जी वो दो तीन अपने मेरे भाइयों की वो चैनल्स हैं जिन पे हम सब लोग हैं शायद वहां पे, एक तो जैसे लर्निंग है, लर्निंग अर्निंग है। नहीं, आप वो बात मत करें हजरत, मेरे सेशन में नहीं नहीं इसी इसी पे बात, मैं ये कह रहा हूँ इसी भी बात कर, जैसे हम वहां पे चार्ट देख लेते हैं, फिर उस चार्ट को हम अपने कैप्सूल स्ट्रेटेजी में फिट करते हैं, अगर फिट होता है तो ट्रेड लेते हैं, नहीं होता है तो हम उसको स्किप कर देते हैं, तो ये तो सही है ना? हाँ, सही है। मैं खुद कहता हूँ हर जगह की चार्ट देखो, हर जगह मैं भी वही करता हूँ, हर जगह चार्ट देखता हूँ। वो चार्ट उनका नहीं है, वो चार्ट BSE NSE का है। किसका चार्ट है वो? BSE NSE का, खत्म। ये इंडियन गवर्नमेंट का चार्ट है ये, वहां से देखे कैप्सूल सेटअप पे आ गया, बिस्मिल्ला कर लो। अरे मैं बताया, आपको पता है ये सब छोटे बच्चों के जो गोली खेलने के गेमों से निकलो, समझ रहे? जो गोली खेलते ना, या वो लगोरी खेलते, या वो जो खेलते, वो छेड़ दो, मैं मारा, मैं सिक्स मारा, मैं फोर मारा, ये सब चीजों से निकलो। मैं स्टॉक को लिया मेरे सेटअप पे, सिंपल सी बात क्या है बोलिए? मैं स्टॉक लिया किसके सेटअप पे? अपने सेटअप पे। खत्म। जो सेटअप पे आप नहीं लिए, एक्सेप्ट करो आप रॉन्ग हो। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे आप रॉन्ग हो, कहां आपने कोई 15 मिनट का कैप्सूल नहीं देखा, या आपने कोई क्रॉसओवर नहीं देखा, आपने कोई इसके फंडामेंटल या फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं देखे, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने कहां गलती की। क्योंकि जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन आप उस गलती को सुधार लो। करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट, वही चीज कंटिन्यू हो रही, इफ इट फिट्स टेक इट। इसका मतलब क्या है? आपको वो स्टॉक आपके सेटअप पे फिट हो गया, ले लो, सिंपल सी बात। बाएं दाएं देखो ना, सब स्टडी करके, कई सारे हमारे पास एकेडमी में लोग होते हैं, सब स्टडी करके बोलते डॉक्टर साहब 15 मिनट पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव, डेली पॉजिटिव, सब सही है, ले सकते क्या? अब आप बताओ इसका क्या जवाब दे सकते? कॉन्फिडेंस की कमी है, ले सकते क्या? अरे सिंपल सी बात है, फिट है ले लो, अनफिट है मत लो। क्लियर होगी बात यहां पे? इफ द स्टॉक इज फिट टेक इट, इफ द स्टॉक इज नॉट फिट लीव इट। जो कॉन्फिडेंस आपको नहीं है तो दूसरे से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने की कभी कोशिश मत करो। अब सेकेंड, उसके बाद यही जो पॉइंट है कि मार्केट इज विदाउट लिमिट्स। जिस टारगेट में मैं 15-20% या 30% लेके निकला, मैं निकलने के बाद वो 40% भागा, तो आप बताओ लिमिट था क्या टारगेट के स्टॉक में? कोई बता सकता है? मार्केट में लिमिट नहीं। जिस स्टॉक में आपने सीट से एग्जिट कर लिए, वो स्टॉक आगे चल के सनफ्लावर में यहाँ पे 10% दिया, तो सनफ्लावर में 40% दिया, फार्म में 240% दिया। ये आठवें पॉइंट को आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, कोई लिमिट नहीं। जो स्टॉक 15 महीने में 100% दिया, 8-10 स्टॉक 400% दिए हैं, तो क्या बोल सकते कि मार्केट ने लिमिट कंडीशन डाली थी कि 15 महीने में मैं इतना ही रिटर्न दूंगा? कोई एग्री करेंगे इस बात को? कई सारे स्टॉक्स 15 महीने 12 महीने में जो रिटर्न देते हैं, उससे 4-5 गुना रिटर्न दिए, तो आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट में, इसको आप वेलकम करो। यही पॉइंट क्या है, ए मार्केट इज विदाउट लिमिट्स। अब लिमिट्स बोलोगे इंक्रीज के, लिमिट्स बोलोगे डिक्रीज के, अदानी विलमार, अदानी ग्रीन, अदानी के स्टॉक्स, क्या कोई लिमिट से गिरे क्या नीचे? कोई बता सकता है लिमिट से गिरे या अनलिमिट गिरे? तो आपको दोनों तरफ की एक मालूमात होनी कि मार्केट की कोई नहीं। सेकेंड लास्ट पॉइंट आपका क्या है, आपको एक आईने के सामने जाके खुद देखना है। इतने सारे चीजें करके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप अपने ट्रेड्स में अनसक्सेसफुल हैं, तो
तो टर्न ए मिरर ऑन योर सेल्फ, अपने आप को रिफ्लेक्शन करो कि मी एज माई ओन ट्रेडिंग सेटअप, मेरे में क्या प्रॉब्लम। आज भी हम लोग मिररिंग करते हैं, आज भी हम बैक टेस्टिंग करते हैं, आज भी हम हमारे ट्रेड्स को देखते हैं, तो आज आपको लाइव में आपके पुराने ट्रेड्स का मिरर दिखाया जाएगा। तो कोशिश करें आप अपने आप से पूछे कि मेरी क्या गलती है। और फाइनली 10th पॉइंट ये है, आपकी एक टिप ये है, आपको कभी भी लूजर नहीं थिंक करना है। हर एक आदमी जो लाइव कॉल में बैठा है, एकेडमी में है, उसको हमेशा सोचना है कि आप एक विनर हो, आप कोई लूजर नहीं है। आप तमाम सब लोग क्या है भाई बताइए जी, बताइए विनर से हो, विनर विनर है कि नहीं है सब लोग, सब लोग लूजर है क्या बताओ। और आखिरी में इस कुरान की आयत में कई सारे सेशन में बताया, अल्लाह पाक आप लोगों को उतना नहीं बर्डन देते जितना आप उसको बेर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उतना ही आपको तकलीफ देंगे या मुशक्कत देंगे या बर्दाश्त करने का देंगे जितना एक साउल या जितनी हमारी रूह बर्दाश्त करे। कुरान की आयत है। और अल्लाह ताला बेशक इतनी बड़ी जात है कि वो आपको हर रकम की दुनिया की आखिरत की नेमतें दे सकते हैं, जिसको चाहे दे सकते हैं। यानी आपने कैप्सूल की 1, 2, 3 फुल नॉलेज रख ली है, किसी के पास जिसके 10% नॉलेज है, 10% वाले को अल्लाह ताला चाहे तो 100% रिटर्न दे सकते हैं। 100% नॉलेज रखने के बाद भी आपको 10% रिटर्न भी नहीं दे सकते। तो हमारे दोनों बिलीफ है, हमारा यकीन अल्लाह की जात पे है, हम उतनी मेहनत करें जितना अल्लाह हमको बर्दाश्त करने की तौफीक दे। हम मेहनत ही नहीं करेंगे बोलेंगे अल्लाह ताला मेरे लिए शायद दिमाग में उतना नहीं रखे हैं, ये ना करें। आप ट्राई करें, मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला जरूर उस पर कामयाब करेगी। ओके, यहां तक आज का एक सेशन कंप्लीट होता है। सब लोगों को बात समझ में आ गई? ओके जी, ये फर्स्ट आज के सेशन का पहला पार्ट खत्म, अब सेकेंड पार्ट शुरू होगा। बोलिए क्वेश्चन क्या है। आपने टॉनिक के लिए बताया अभी, उसके ऊपर एक सजेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एकेडमी से जुड़ने से पहले हमने कुछ ट्रेड ले लिए ऑलरेडी, ठीक है, ओके, प्लान रखे, प्लान भी था कि बैकअप भी रखे है, लेकिन अब वो स्ट्रेटेजी में फिट होने ही नहीं है, मतलब जो ट्रेड अपना स्ट्रेटेजी में आना ही नहीं है अभी फिलहाल की कंडीशन में, तो उसको फीड करके तो यूजलेस ही है वो, राइट? ये मतलब आपका सवाल मैं समझ गया, आप एक पेशेंट स्टॉक में हैं, उस स्टॉक के आपको वीकली ईएमए 9 के ऊपर नजर रखो, वीकली सीसीआई 60 क्रॉसओवर पे देखो। ऑलरेडी पिन वीडियोस में हम इस प्रॉब्लम का सलूशन दे चुके हैं। अगर ये लॉस आपका बहुत ज्यादा है 20-30-50%, तो इसको रिकवरी आपके वीकली सनफ्लावर में हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके चले, मैं क्योंकि काफी टाइम हो रहा है, सो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन लाइव रहेगा। 10 कदम में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको मिररिंग, आपको अपने खुद ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग करो कि क्या मैंने आज उस चीज को खोया है। तो उसके लिए आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा एक अपने ट्रेड्स लिए गए। यहां पे आपको अगर मैं चलता हूं लेके, जैसे कि मैं अपना मिररिंग करूं आप लोग समय, यहां पे आपको नंबर्स पे मत ज्यादा ध्यान दो, आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि क्या मैंने पिछले मेरे 1.5 साल का, ये पूरा 1.5 साल के स्टॉक्स है, आपको अकेले में बैठ के देखना है कि जब मैंने उस स्टॉक पे लिया था कोई सेटअप था। तो आप लोगों को मैं 10 एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। अब 10 कदम में अगला 10 है, आप तमाम को आपके पूरे होमवर्क को पिछले साल या 2 साल में कोई ऐसे 10 स्टॉक को देखना है जो कैप्सूल 1.0 पे थे और आपने उसको क्या किया। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा एस कंस्ट्रक्शंस। अब आपको यहां पे लाइव में दिखाऊंगा एस कंस्ट्रक्शंस को। मैं उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि क्या सेटअप पे लेना है। अब आप तारीख पे गौर करो, 3 नवंबर 2022, 300 रुपए में परचेस किया। सिंपल सी बात है, 10 एग्जाम्पल दूंगा सेशन खत्म हो जाएगा। 3/11/2022 पे अब आपको सब अपने अपने पोर्टफोलियो में जाना है, पिछले एक साल या एटलीस्ट पिछले 2 साल के ट्रेड्स को आप शुरू से देखो कि यहां पे मैंने ले लिया 300 रुपए पे और आपको देख रहा है 3/11 को ले रहा हूं और 7/11 को बेच रहा हूं। सब लोग स्विंग ट्रेडिंग में कितना परसेंट कमाया होगा, 2% या 3% कमा के छोड़ दिए।
अगर यही स्टॉक को 3/11/2022 से आज की तारीख तक इसकी क्या हालत होती। तो ये आपका 10 कदम में आपको अपना होमवर्क करना है। तो एस कंस्ट्रक्शन का 3/11/2022 स्क्रीन नजर आ रही है सबको? आ रही है। ओके, इसको मैं मंथ के चार्ट पे सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को आज 1.0 का रिवीजन करा रहा हूं लाइव ट्रेड में। अब आप देखेंगे कि 3/11 और ये कौन सी तारीख है बताइए भाई, बताइए क्या तारीख है? 3 अक्टूबर के बाद ही तो 3/11 आया था ना। तो स्टॉक को यहां पे लेके हमने क्या किया, इसको 1-2% पे छोड़ दिए ना लेके ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करके। 1.0 की नॉलेज के हिसाब से तो एंट्री तो अक्टूबर में बन रही थी सेकेंड हिस्टोग्राम पे, और आज की तारीख तक भी इसको रखे रहते जो सिर्फ 19 महीने था। कितने महीने था ये बताइए? 19 months। तो क्या रिटर्न्स मिलते हैं हजरत बताइए? 422%। 300 रुपए का स्टॉक आज की तारीख में गालिबन 1500 रुपए है। तो ये किस वजह से आया, यानी 1 साल 5 महीने, 1 साल 7 महीने, 1 year 7 months, 422% रिटर्न्स। ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में था, हमने अपने हाथ से निकाल दिए, हमको आइडिया नहीं था कि सेटअप क्या था। तो आज आपको 10 स्टॉक्स आप खुद जाके स्टडी करो कि वो कैप्सूल स्ट्रक्चर में थे जिस दिन पे मैं लिया था, बट मेरे को आइडिया नहीं था कि इसको क्या करना। मैं 1-2-3-4 दिन देखा, लोगों को इधर उधर देखा कि ब्रेक डाउन हो रहा है, सपोर्ट टूट रहा है, ये टूट रहा है, आज तक हिस्टोग्राम नहीं टूटा, 422% पे बैठा हुआ है। सिंपल लॉजिक 1.0 का, तो सिंपल लॉजिक क्या है, मंथ क्रॉस और सेकेंड मंथ पे बैठ जाना है। क्लियर हो गया आपको फर्स्ट एग्जाम्पल? नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल आपको दूंगा, बैंको प्रोडक्ट्स। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, दिखाने के लिए काफी हैं। ये बैंको इंडिया का मैं वही स्टॉक दिखा रहा हूं जो आपके कैप्सूल स्ट्रेटेजी में थे। बैंको इंडिया 109/3 रुपए पे 11/11/2022 ये डेट पे मेरे पोर्टफोलियो में था, और मैं इसको सिर्फ शायद हार्डली कुछ 8-10% या देखिए 0.4% पे ट्रेड को छोड़ दिया। ये आपको खुद रियलाइज करना है कि आपने क्या किया था आपके अपने पुराने स्टॉक्स के साथ। बैंको प्रोडक्ट्स जी कब लिए थे बताइए? 9/2022। ये नहीं है मेरे पास, ये रिफ्लेक्शन कर रहा हूं, तारीख देखिए 9/2022। वैसे हिस्टोग्राम सेकेंड में ही था जब मैं लिया था, तो कैप्सूल स्ट्रक्चर में था, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेता, 1.0 को एक सेटअप को खामोशी से फॉलो करता, यानी मेरी एंट्री की यही लाइन है। कितना हो गया हजरत बताइए जी, कोई बता सकते हैं क्या हो गया? आवाज आ रही है? 235% बढ़ गया, और 0.4% लेके एग्जिट मार दिए या 4% लेके रॉकेट छोड़ा के निकल गए। कितना ये 16 महीने, 12+4, 1 साल 4 महीना। ये किसके ट्रेड है, ये कोई ख्वाब के ट्रेड नहीं, ये हाथ में आए से निकले हुए क्या बोलते हैं वो गुलदस्ते हैं, फूल वाले सनफ्लावर्स थे या ये फार्म थे। समझ में आ रहा है बात आपको? सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, ओके, कंट्रोल प्रिंट। ये कंट्रोल प्रिंट आपको दिख रहा है ट्रेड, ये लीजिए 3/3/2023 ₹526 कंट्रोल प्रिंट। आज ये क्लास इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि 1.0 को हम नए तरीके से रिविजिट कर रहे हैं। ओके, ये रिसेंटली है March 2023, ये क्योंकि पहली मार्च पे ही ये कैंडल बनता है। ये आप देखिए सेकेंड नजर आ रहा है, सेकेंड पे क्रॉस ओवर कितना हो गया, आज तक मैं निकल गया ट्रेड से, कोई बात नहीं, 70-80% को लेके निकल गया, कितना बना बताइए? क्या आप अपने ट्रेड्स को जाके चेक करो, कंट्रोल प्रिंट होल्ड रखते 12-14 महीने में 110%। नेक्स्ट
हिंदुस्तान कूपर। हिंदुस्तान कूपर ये अभी तक रखा हुआ, ये ट्रेड को फार्म में शिफ्ट कर दिया हूं। गौर से देखो, 6 जनवरी 2023 115 रुपए पे इसको सेल कर दिया। बाद में गलती का रियलाइज दोबारा ले लिया जब कैप्सूल की स्टडी नहीं थी जनवरी में, मैं बता रहा हूं मार्च में आई थी, वापस ले लिया मार्च ने, इसमें अप्रैल में ले लिया हिंदुस्तान कूपर। हिंदुस्तान कूपर एनएससी का लेना है। ओके ओके, ये देखिए हिंदुस्तान कूपर अगस्त 2023 से कैप्सूल में आ गया। आज की तारीख में कितने रिटर्न्स हैं दोबारा बता रहा हूं, आज आप लोगों को 1.0 के बेनिफिट्स बता रहा, नेक्स्ट वीक में आपको 2.0, उसके नेक्स्ट वीक में 3.0 की सेफ एंट्री, सेफ 1.0 2.0 कैसा आपको यूज करना बताया जाएगा। कैन एनीवन टेल मी कितना हो गया हिंदुस्तान कूपर 9 मंथ्स में? 150%। वेरी गुड। नेक्स्ट राजो, अब आपको मैं डायरेक्टली चाहे तो मेरा पोर्टफोलियो के अंदर से दिखा सकता हूं, अब उसकी जरूरत नहीं, आपको इतना तो ट्रस्ट है कि पूरे वहीं से लिए गए हैं। राजो जी बताइए कितना है? 9 महीने। ट्रिल, सबसे तकलीफ मेरे को ट्रिल की हुई है, पढ़ा हुआ ट्रिल, बोलोगे यकीन नहीं आएगा तो देखो ट्रिल, ट्रिल टी आर आई ट्रांस रेक्टिव, कैसा है वो पूरा नाम क्या है? ऊपर सर्च का ऑप्शन होगा, नहीं नहीं आता सर्च का, कर लिया ट्रिल का। देखो गौर से ट्रिल कितने हैवी क्वांटिटी में लेके उठे, क्योंकि मालूम ही नहीं था इस टाइम पे, 26/9/2022 56 रुपीज ट्रिल ताजु, ये आपके अंदर से भी मिलेंगे स्टॉक्स ऐसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था क्या करना था आपको। ओके, ट्रिल का बीएसटी का लेना है जी, बताइए 4% लेके निकल गया ट्रिल में यही तारीखों में, आपको बताया ना दिसंबर कितना हो गया, मल्टीबैगर रहेगा तो 1.2% ये 1.2 में रिफ्लेक्शन, मैं आईना दिखा रहा हूँ, 1.0 का आईना देख रहे हैं आज खाली सर, 19 महीने में कितना हो गया बताए? 77%। इसका साइनोप्सिस दूंगा आपको बाद में, ये सब पड़े हुए, मैं ऐसे नहीं कि मैं हवा में फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे बात आप? किर्लोस्कर ब्रदर्स ये भी छोड़ दिए, 40-50% ले लिए और छोड़ दिए किर्लोस्कर ब्रदर्स, मुझे देखना है एनएससी किर्लोस्कर ब्रदर्स बीएससी का कहां पे है, ये रहा। ओके, किर्लोस्कर ब्रदर्स का नहीं बनाया, ये लाइन दिख रहा है आपको 1 अगस्त 2023 यहां पे आपका मंथ का मैं बैठा था, बट अगर 2.0 1.0 के लिए मतलब तो यहां से बैठते थे, और इसकी प्रॉफिट कितने लेते थे आप? मोर देन 100%, ये लो 150% इन 11 मंथ्स। उसी तरीके से आपको आईटीआई के स्टॉक के बारे में पता ही नहीं था उस टाइम पे, ले लिए 1-2% लेके छोड़ दिए। एक सेकेंड, आईटीआई बीएससी मैंने मार्किंग करके रखी है, ये देखिए कितना हो गया भाई, 7 मंथ बैठ गए, 7 मंथ 172%। मैं सिर्फ 1.0 का रिफ्लेक्शन, और ये वो स्टॉक्स है जिनको मैं छोड़ दिया, मैं गलती किया, मैं अपनी रिफ्लेक्शन आपको मेरे मिरर में, मैं आपको अपना मिरर बना दिया आज, आप लोग मेरे मिरर हैं, तो मैं अपनी गलतियां या अपने सेटअप को कितना फॉलो किया नहीं किया बता रहा हूं, उसके नतीजे बता रहा हूं। नेक्स्ट ज्योति लैब JYOT, 1-2 महीने देखा, एक सनफ्लावर लेके निकल गया, समझ रहे ज्योति लैब एनएससी जी, बताइए कितना हो गया? ये था इस तारीख में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिए, कितना रिटर्न आगे बताइए? 1.0 का 19 मंथ्स। आपका GAIL गेल जी बोलिए, ये अभी भी चल रहा है, लाइव चल रहा है, ये नहीं निकला है हाथ से, कितना है ये? 1 साल में 92%। अगेन कैप्सूल स्ट्रेटेजी की स्टार्टिंग से लिया हुआ, अभी भी पड़ा हुआ है,
यानी दोनों चीज, जो दोनों चीजें बता रहा हूं, एक कन्विक्शन पे पड़े हुए हैं तो उसको आप लेके चलना है। आखिरी दो तीन बता, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं, मैं 10 ट्रेड्स का बैक टेस्टिंग करो आपके अपने पोर्टफोलियो से, यहां वहां जाने की जरूरत नहीं, यहां जाने की जरूरत नहीं। मैंने 33 ट्रेड्स इस तरीके से मैंने उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया, 33 ट्रेड्स मेरे पूरे पोर्टफोलियो में से। सिर्फ 1.0 को पकड़ के बैठता तो एवरेज रिटर्न्स, अब आपको इस सेशन को कंक्लूड करने में मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि 10 का दम में अभी तक आप देखिए 10 बजे से बैठे हुए हैं आप, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बताया, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जो आपके 10 कदम के लिए, वो आपको स्लाइड में शेयर कर दूंगा। उसके बाद मैंने कहा आपको 10 एटलीस्ट स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो से देखो, मिरर बनाओ, आईना बनाओ 1.0 के हिसाब से, कैप्सूल के सेकेंड मंथ के बाद से अगर उठे तो आज उसकी क्या हालत है। फाइनली आपको मैं बताऊंगा इन 10 ट्रेड्स को अगर आप 10,000 रुपए से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, 10,000 रुपीज से आप 10 ट्रेड्स 1.0 के हिसाब से लेते, जितने भी मैंने आपको चार्ट दिखाए उसका एवरेज रिटर्न 2 साल में कितना था, कोई बता सकते? 2 इयर्स में कितना था? 100%, मोर देन 100%। मैंने पूरे स्टॉक का मैंने एवरेज बनाया और 210% आए। कितने आए भाई? 200% भी अगर रखूंगा कैप्सूल 1.0 के सबसे फार्म्स पे, रिफ्रेश कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, 10,000 रुपए के 10 स्टॉक्स 1.0 के हिसाब से सेकेंड मंथ के क्रॉस ओवर के बाद आप छोड़ देते तो उसका एवरेज रिटर्न 200% हुआ है एवरेज, क्योंकि कोई स्टॉक 300 गया है, कोई स्टॉक 2 साल के बाद, टू ईयर इज योर होल्डिंग टाइम फ्रेम, 2 ईयर या अंटिल द मंथ क्रॉस डाउन। अब यहां पे बोलेंगे डॉक्टर साहब 10,000 रुपए तो मेरे पास है, 10 स्टॉक तो मैं ले लूंगा, 1,00,000 रुपए का टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 2 ईयर के बाद 200% रिटर्न, प्रोबेबिलिटी कितनी है 10 स्टॉक की, चलिए बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, जल्दी बताइए 10 में से कितनी रिटर्न प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए सक्सेसफुल? 99%, 6 to 7, 9. 6 स्टॉक की प्रोबेबिलिटी लेता हूं तो इन 6 स्टॉक को आप 200% से आप ये करो, यानी आपने 60,000 रुपीस आपके लगे जो आपको 200% रिटर्न दिए, ऑलमोस्ट आपके 1.2 लाख आपके रिटर्न हो गए, करेक्ट। रिमेनिंग 4 स्टॉक्स आपके हो सकता है कोई क्रॉस डाउन हो गया 5-10% लॉस, उसके बाद आपने नया मंथ में क्रॉस ओवर में बैठे 15-20%, एटलीस्ट मैं बोलूंगा ये 40,000 रुपए आपके सिर्फ 80,000 रुपए ही बना सके तो भी आपके 2 लाख ये प्रॉफिट है, यानी सिंपल सा गेम है, 1 लाख एग्जैक्ट 2 ईयर में 3 लाख हो सकते हैं, 2 लाख इज योर प्रॉफिट, 1 लाख इज योर कैपिटल। क्या मेरा कैलकुलेशन गलत है सही है बताइए? सही है एकदम। सलाम अलैकुम। यानी मामूली से मामूली सा भी बंदा, जो बेचारे हमारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके पास कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए होता है, उनको भी चाहिए कि वो कमाए, क्या हम एक अच्छा सा प्लान बताकर होल्डिंग आपको 2 साल का बैक डाटा के साथ बताया जिसमें एवरेज रिटर्न 200% है तो उनको 1 लाख इन मैक्सिमम 2 ईयर 2 लाख प्रॉफिट है। तो अगर इसको आप 20 मंथ से भी डिवाइड करोगे तो आपको मिनिमम मंथ की आपकी सैलरी हो जाएगी 10,000 रुपीस, इन्हें 2 इयर्स तक आपकी मंथली सैलरी कितनी हो गई 10,000 रुपीस। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी, नंबर्स के साथ बता रहा हूं, लॉजिक के साथ और साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ, तो बस इतना है यहां पे आपको चाहिए क्या है, पेशेंस। सबसे आखिरी वर्ड्स क्या है आपको कैप्सूल 1.0 में फॉर्म्स में क्या चाहिए आपको बताइए? पेशेंस। तो आज का सेशन खत्म, अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर थोड़ा सा ये आपने अभी जो स्टॉक्स वगैरह लिए इसमें 2-2, 3-3 करके क्वांटिटी खरीदी है तो जनरली ऐसे ही करते हैं? नहीं, आपको मैंने एक एग्जांपल बताया कि क्वांटिटी से इंपॉर्टेंट आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैंने तो आपको 10K का एक एक स्टॉक का इन्वेस्टमेंट बता दिया आपका, यानी कमतर भी हमारे पास कोई लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपीस टोटल पोर्टफोलियो बना के रखे होंगे,
उससे भी कम हो सकते हैं। मैं उन लोगों को भी हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैंने एक नंबर बताया, रिटर्न्स बताए, टू ईयर में 1.0 के फार्म्स के रिटर्न 200% बताए, टू ईयर्स का बताया। 10 स्टॉक्स में से मैंने पूरे 10 को सक्सेसफुल नहीं किया, सिर्फ 6 को सक्सेसफुल किया, सिर्फ 6 को, रिमेनिंग 4 को शायद मैंने 15-20-30% ही सक्सेसफुल किया। वो भी हो सकता है कि तीन चार महीने में वो क्रॉस डाउन हो गया, 5-10% लॉस हो गया, वापस उनके 10,000 रुपए से 8,000 रुपए होंगे, वो 8,000 रुपए नए फार्म में डाले। तो यानी जो रिमेनिंग 4 स्टॉक्स का तो मैंने एक्चुअली में बनाया ही नहीं कोई 200%, 100%, सिंपल सा 15-20-30% बना के 200% एवरेज हो गया। जी क्वेश्चन साहब, एक सवाल है, ये रिस्क मैनेजमेंट का जो आप बताए थे, इसमें एक्चुअल करना कैसा है रिस्क मैनेजमेंट इसमें? जी, रिस्क मैनेजमेंट में करना क्या, पहली बात तो मैनेजमेंट क्या, पहली बात तो मैनेजमेंट क्या है, आप अपने स्टॉक को मैनेज कर रहे, स्टॉक आपने ले लिए, यहाँ पे आपने बिस्मिल्लाह कर ली, तो अगर ये आपका स्टॉक जाते जा रहा है तो ये आपका प्रॉफिटेबल मैनेजमेंट है, तो आपको कहां फसल को काटना है ये मालूम होना चाहिए, दैट इज योर इंटेलिजेंट मैनेजमेंट। क्या आपने इस फसल को सीड्स में काट लेना है या सनफ्लावर में खत्म करना है या फार्म में करना। अब मैंने ज्योति लैब में सनफ्लावर में काट लिया 15-20%, मगर वो चला गया 700%, तो ये आपको मैनेजमेंट करना है। तो इसीलिए कहते हैं स्ट्रक्चर में बैठे रहो, स्ट्रक्चर ने इशारा दे दिया निकल जाओ, ये आपका प्रॉफिटेबल मैनेजमेंट। सेम इसी तरीके से आपने स्टॉक में भी किए, तो आप बोले मंथ के क्रॉसर, वीक के क्रॉसर में बैठे, अब ये स्टॉक नीचे चला गया, तो यहां पे आपको कैसे मैनेज करना है? आपका रिस्क बोलता है कि मैं 5% लॉस से ज्यादा कोई स्टॉक नहीं रख सकता, तो ये आपका इंडिविजुअल फिक्स माइंड में है कि 5% लॉस हो गया निकल जाओ, वेरी गुड। पहली बात तो ये कह रहा हूं कि अगर मंथ के फार्म में जितनी पूरी स्टडीज वीडियोस में आपको बताई गई है, पूरा नेगेटिव मंथ का कैप्सूल ये -30% ही होता आने आने एवरेज, तो अगर आप ये माइनस आपने बगैर स्टडी के आपने यहाँ के हिस्टोग्राम में ले लिए, तो ये पूरा डेप्थ तक -30% जाता है। वापस जब ये हिस्टोग्राम रिटर्न होता है या आपका CCA 60 वीकली क्रॉसओवर हो रहा है, तो आपका रिस्क, क्यों रिस्क मैनेज करो, क्योंकि आपने लॉस ले लिया है, 5% रिस्क लेना है लेके निकल जाओ, 10% रिस्क लॉस में लेके निकलना निकल जाओ, या नहीं आप बोलोगे कि ऑलरेडी फंस गया हूं, अब मैं वेट करूंगा एक अपॉर्चुनिटी को, तो आपने आपके रिस्क मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटी लगा दी। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई भले ही नेगेटिव मंथली कैप्सूल हो, नया वीकली CCI वीकली में क्रॉस ओवर हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है, यहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। यहां पे आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव में है, मैं क्यों एवरेज करूं, क्योंकि आप ले रहे हो रिस्क, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। कई जगह पे मैंने एग्जांपल्स आपको, आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देखो, लॉर्ड्स क्लोरो, लोकेश मशीन, जहां पे भी नया वीकली CCI क्रॉस ओवर हुआ वहां पे मैंने कुछ एवरेज कर लिया, लॉसेस जो -30-25% उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना के 15-20% में बेचा, तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। जी हजरत, आपको सवाल का डाउट क्लियर हो गया आपको? जी जी क्लियर हो गया बिल्कुल, जजाकअल्लाह। सर वो 10 एक साथ डालने है क्या, थोड़े थोड़े डालने? जी सर एक साथ 10 डालना है क्या, थोड़े? ये ऑलरेडी सवाल का जवाब दे चुके हैं। पहली बात तो आपके पास अगर 100 रुपए है ट्रेडिंग के अकाउंट में, 80 रुपए का ही आपको ट्रेड करना है, उन 80 रुपए में आपको अगर तीनों टाइप की फार्मिंग करनी है, तो आप 40 रुपए फार्म्स में डाल दो, 20 रुपए सनफ्लावर, 20 रुपए सीड्स, रिमेनिंग 20 रुपए इनके सपोर्ट के लिए रखो, इनकी खांसी हो गई, इनको बीमारी हो गई, तो ये टॉनिक फंड सपोर्ट करेगा। डाउट क्लियर? सलाम अलैकुम, मेरा सवाल आपसे, जी जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब। हाँ पूछो। मैं बोल रहा हूँ जैसे जी, आप दोबारा अपना क्वेश्चन सही तरीके से रखें। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जैसे अभी ईरान और जैसे मसला तो चल रहा है, और अभी मॉरिशस के रास्ते एक संधि करी है इंडिया ने, जैसे मॉरिशस के रास्ते जो पैसा आता था वो FI वहां से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका अपने मार्केट पे जैसे असर गिरेगा, तो अपने जैसे हो सकता है इसराइल के वार का असर इसराइल के मार्केट पे नहीं है। आज आप अपॉर्चुनिटी के बात बोलिए, आप यूं बोलिए जी, मैं नासिर भाई मैं कुछ रखूंगा, आज का मौजू पे सवाल पूछो आप जरा सा। मौजू पे पूछ रहे जी जी बोलिए। सर मैं यू बोलना चाहता हूँ, अपन ने सनफ्लावर पे लिया है या सीड पे लिया है कोई स्टॉक, और जैसे आज दिख रहा है कि मार्केट की पोजिशन है, जैसे ये
एफआई का थोड़ा लफड़ा आ गया है और अभी ये अनाव का मसला आ गया, तो क्या फिर अपने अपने हिसाब से चले कि सर्कुलर उसने कोई भी मार्केट की न्यूज पे, वॉर पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, बैंक के नोट्स पे, कोई भी अगर स्टॉक का प्राइस एक्शन गिरता है, सीड्स में से क्रॉस डाउन होता है तो सीड्स में से निकल जाओ, या नहीं सीड्स लॉस हो गए तो आप सनफ्लावर में रख के आप ईएमए 9 वीकली पे गिर गया तो उससे निकल जाओ, या मंथ का स्ट्रक्चर से निकल गया तो निकल जाओ। आपको एम्ब्रेस यानी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉस को भी, चैलेंज को भी। आपने अगर सीड में से बुक करना है लॉस को बुक कर लो, नहीं एक अपॉर्चुनिटी अगर सनफ्लावर में बिठा रहे हो यानी 4-5-6 हफ्ते के लिए आप वेटिंग कर रहे हो, वो 4-5-6 हफ्ते में अगर आपने सनफ्लावर पलट गया, जैसे मार्केट मार्च में गिरा, कई सारे लोगों के पोर्टफोलियो -25% आज की तारीख में शायद प्लस की तरफ आ गए हैं, 5% या 6% लॉस पे। तो ये ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, हमारा सिंपल पॉलिसी है क्रॉस ओवर बिस्मिल्लाह, क्रॉस डाउन अल्लाह हाफिज, चाहे आप मंथ में कर रहे हो, वीक में कर रहे हो, डे में कर रहे हो। डाउट क्लियर? ओके चले फिर आज का सेशन, क्योंकि यूट्यूब पे डालना नहीं डालना बाद में सोचेंगे, और एक दो सवाल ले सकता हूँ, और दो सवाल है जी 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 तो हेलो रिजवान भाई का सवाल पहले है, खाजी भाई का बाद में, रिजवान भाई सवाल पहले जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। जो जो स्टॉक हमने फार्म में खरीदा है ओके, और उसके बाद वो समझो 30-40% प्रॉफिट में चल रहा है, अभी तक क्रॉस डाउन, अभी तक क्रॉस डाउन हुआ नहीं है ओके, तो उसमें और अगर ऐड करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? नए सनफ्लावर के क्रॉसिंग पे ऐड कर सकते, नए सीसीआई 60, बट क्योंकि हमने 1.0 में 2.0 में कहा है कि अगर फार्म पहले 5 महीने में है तो बेहतर है, 5वां-6वां महीना निकल गया तो रिस्क मत लो, ठीक है? अच्छा, और उसमें समझो अगर ऐड करना है तो न्यू जो क्रॉसओवर बनेगा उसमें ऐड करना है, वीकली न्यू वीकली क्रॉसओवर पे ऐड करो, वहां पे डे पॉजिटिव होना जरूरी है बस। ओके ठीक है। ओके आखिरी सवाल मैं, अस्सलाम वालेकुम, एक सेकेंड अपने छोड़ के जा रहे हैं, पहले बता रहा हूँ कि पहले बता रहा हूँ कि वो जरूरी है, जरूरी है, जो मैंने लाइव आया है वो लाइव करके 1.0 का रिवीजन करना जरूरी है, उसके बाद अगले वीक में 2.0 का रिवीजन होगा और 3.0 की तालीम स्टार्ट हो जाएगी। जी सवाल पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम। ये फार्म में जैसे कोई स्टॉक मैंने फार्म में लिया है तो उसमें तो मंथली क्रॉस डाउन नहीं हुआ है लेकिन वीकली क्रॉस डाउन हो गया है, तो क्या उसने मंथली क्रॉस डाउन तक इंतजार करना चाहिए या वीकली क्रॉस डाउन पे निकलना? ये एक आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि मेरे पास एक फार्म था मार्च के महीने में, मैं क्योंकि अभी खुद आप लोगों के साथ इन ट्रेडिंग्स को कर रहा हूँ कैप्सूल की, तो वहां पे एक डिसीजन आप ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक लिंकन फार्मा स्टॉक था, वो मंथ का अभी भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम बट वीकली सीसीए 60 डाउन होगा 80-90% पे है, तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे इसको होल्ड नहीं करना है तो हम कौन होते हैं कि आपके प्रॉफिट को 15-20-30% गिरते हुए दिखाने के लिए, तो आप वहां पे वीकली सीसीआई 60 डाउन हो गया, फार्म का प्रॉफिट 60-70-100-150 है तो आप ले सकते, नहीं आपने ऑलरेडी अपना रिस्क को एसेस कर लिया, नहीं 15-20% नीचे गिरेगा तो भी मैं बैठूंगा, तो आप जैसे मैं हिंदुस्तान के ऊपर में बैठा रिवर्स हो गया, तो वो आप डिसीजन ले सकते हैं। आप प्रॉपरली रेस्पेक्टफुली आप हिस्टोग्राम पॉजिटिव टू हिस्टोग्राम नेगेटिव कर रहे तो आप बैठे रहो, इंशाल्लाह अल्लाह उसमें फायदा देगा, या नहीं आखिरी दर्जा इतना बोलूंगा कि आप हिस्टोग्राम पॉजिटिव पे बैठे बट सीसीआई 60 मंथली में डाउन हो रहा है तो निकल जाओ, एटलीस्ट इतना तो कर लो, ठीक है डियर? जी। सर और एक सवाल था छोटा सा, जैसे आपने बोला कि इस साल का एक टारगेट है कि अगर 1,00,000 रुपए मेरा कैपिटल है तो नेक्स्ट ईयर में 30% इंक्रीमेंट करना है, तो अगर कोई अगर मंथली कोई अमाउंट हर मंथ को ऐड करता है तो वो अपना टारगेट को 30% कैसे कैलकुलेट करेगा? इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर बोलते हैं, ये चीज हमारे पास ऐसे नहीं होगा, आप हर महीने 10,000-10,000 रुपए ऐड करना चाह रहे तो एक 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 नया नया फार्म ले लो, क्योंकि आधे जो फार्म भाग गया है उसमें ऐड करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके जज़ाकअल्लाह। नेक्स्ट डॉक्टर
जी वसीम वसीम पूछे। हाँ ये हम जब फॉर्म एंट्री करते हैं तो उसमें हम एक साथ जैसे आपने 40 लगा 100 है तो 40 एक साथ लगा देना या फिर 20-20 करके भी हम दो बार एंट्री ले सकते हैं। नहीं ऐसे करो कि आप पूरी स्टडी के बाद मुकम्मल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट फार्म के लिए जो फिक्स था वो लगा दो प्रॉपर मंथ में वीक में डे में। अगर अल्लाह ना करे वो फार्म का पलटी हो गया वीक में क्रॉस डाउन हो गया नया वीक में क्रॉस ओवर हो रहा है वहां पे आप अपना टॉनिक फंड लगा सकते हो। अच्छा ओके 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 नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। हाँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी खाजी भाई सवाल पूछ लो अब्दुल हन्नान खाजी। हाँ डॉक्टर साहब एक इम्पोर्टेंट मतलब मेरा अपना सवाल ये है कि मैं ये जानना चाह रहा था कि मैक्सिमम रिस्क फैक्टर जैसे मिसाल के तौर पर आपने बताया कि 30% 40% तक जो लॉस होता है तो अगर समझ लो किसी स्टॉक में मोर देन 100% लॉस है अगर किसी को नहीं सकता तो उसको क्या करना है। मोर देन 100% लॉस हो ही नहीं सकता। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी नहीं हो रही है सर। अब आपको दिखाता हूँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये आपका स्टॉक है दिख रहा है स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ अभी दिख रहा है सर। ओके ये स्टॉक इस जगह पे आपने खरीदा इस स्टॉक की कीमत थी 100 रुपए कितनी थी इसकी कीमत सीएमपी कितनी थी 100 रुपए 100 रुपए ओके अब ये स्टॉक बढ़ के चला गया कितने पे 200 रुपए पे 200 रुपए कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको 100% अब सीएमपी इसकी कितनी है 200 हेलो या 200 अब इसमें आप यहाँ पे यहाँ से एंट्री करके यहाँ पे आपने एग्जिट करने का सोचा तो आपने 100% प्रॉफिट रियलाइज किया करेक्ट। अब 200 रुपए पे आपको लग रहा है कि क्रॉस ओवर मिल रहा है मंथ का सेटअप बन रहा है वीक का बन रहा है तो आप यहाँ पे ले लिए तो इसको 100% लॉस होने के लिए कितना होना स्टॉक की वैल्यू 100 कौन एग्री करेंगे भाई बताओ 100% लॉस होना है तो कितना होना चाहिए सीएमपी 0 चलो इन हजरात ने कहा कि इन्होंने कहा कि 100 रुपए का स्टॉक बढ़ते बढ़ते 200 रुपए हो गया तो 100% प्रॉफिट मिला। अब 200 का स्टॉक 100 रुपए सीएमपी पे आ गया तो कितना लॉस है बताओ जल्दी 50% वेरी गुड 50% ओके अब यहाँ पे यही 200 रुपए वाला लिया हुआ स्टॉक अब आ गया है 50 रुपए पे तो कितने परसेंट लॉस है 75% मगर 100 रुपए पे जो बंदे ने लिया उसको 50% पे आ गया तो उसको 50% लॉस। तो कभी भी याद रख लो अगर कोई स्टॉक 100 रुपए वाला 10 रुपए बढ़ता है तो 10% प्रॉफिट है करेक्ट। 200 रुपीज होता है तो 100% प्रॉफिट है। 200 रुपीज वाला जब 100 होता है तो 50% लॉस है। मजा देखा 100 वाला 200 गया 100% प्रॉफिट 200 50% लॉस तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होते जाएंगे लॉस कम होते लॉसेस कम होंगे सीएमपी की बेसिस पे। डाउट क्लियर? जी जी सर अच्छे से क्लियर। चलो सबके लिए सवाल हो गए मुझे खाने का टाइम है और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जुड़ते रहूंगा। अब्दुल हलीम भाई सेशन को क्लोज करके दुआ पढ़ दे प्लीज। जी सलाम वालेकुम माशाल्लाह से डॉक्टर साहब आपने काफी अच्छा रिवाइज करा दिया। हम थोड़ा शुरुआती दौर में नहीं थे और कुछ ताजगी आ गई माशाल्लाह से। जजाकल्लाह अहसनल जजा और सवाल भी बहुत से सुने माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए। आपकी आवाज जो भी नहीं सुनी थी पूरे रमजान में आपकी आवाज से भी मतलब हम लोगों के अंदर हरारत और ताकत आ जाती है। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जजाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। अफजल भाई अब इख्तिताम हो रहा है इसका। मार्केट फॉल कल मार्केट जी जी बोलिए कंटिन्यू करें जी। तो और बाकी माशाल्लाह से रमजान भी सबके माशाल्लाह अच्छे गुजरे होंगे और ईद भी माशाल्लाह से सबकी अच्छी गुजरी। अल्लाह ताला आगे भी मजीद बेहतर जो है कल का जो दिन आ रहा है वो भी काफी बेहतर हो। बाज़ फरमा रहे हैं कुछ आगे पीछे इस तरह से तो बहरहाल अल्लाह के हाथ में सब कुछ है और जो कुछ भी होगा वो इंशाल्लाह मतलब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। नफा और नुकसान हम सब उसी पर भरोसा रखते हैं और इसी पर भरोसा रखना चाहिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاک اللہ بھائی میرے سب تمام بھائی بہنوں کا جو جڑے ہیں 3.0 کی بیک ٹیسٹنگ چل رہی ہے کافی اچھا ڈیٹا آ رہا ہے آپ لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی کہ اس کی بیک ٹیسٹنگ ریزلٹس مور دین 90-95% سکسیسفل ہوا ہے آنے والے ٹریڈز کو لائیو میں لیا جائے گا ہمارے ایڈمن سے میئر سے انشاءاللہ ایک دو ویک میں مکمل تعلیم آپ کو دی جائے گی دعا کریں کافی بہترین سیٹ اپ 3.0 میں بن چکا ہے دعا کریں گے جزاک اللہ خیر شکریہ جزاک السلام علیکم